यहाँ देखो, अभी हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। जिसमें कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हाफ एंगल्स देखेंगे, समझे क्या मतलब, टी ऑफ ए बाई टू या फिर बी बाई टू या फिर सी बाई टू, ये वाली चीज़ें देखेंगे। इनको कैसा हम लोग साइड्स के साथ रिलेट अभी हम लोग करेंगे अगले वाले सेक्शन में, ठीक है यार। तो यहाँ पर देखो, बेसिक तुम्हारे पास ये चीज़ है, कॉस ए तुम कितना लिख सकते हो, 1-2 साइन स्क्वायर ए बाई टू, ठीक है बात, क्विकली लिखते जाओ। तो साइन ए बाई टू तुम्हारे पास कितना बैठेगा, 1-cos A अपॉन टू, ये अपना बेसिक फंडा, समझ गए ऐसा, ठीक है क्या, ये तो अपने को पता ही है, 1-cos 2θ अपॉन टू का अंडर रूट, ठीक है बात। ये बात ध्यान में रखना, A कैसा 0 से 180 डिग्री हो सकता है, 0 से थोड़ा बड़ा, 180 से थोड़ा छोटा, ठीक है ये चीज़, ये बात ध्यान में रखना। तो अभी ये बात ध्यान में रखना, जो अंडर रूट के अंदर जो चीज़ रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है एक बात, ठीक है सारी चीज़ें लिख लिए। अभी इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, 1-cos of A को ऐसा लिख लो, b² + c² - a² / 2bc, ठीक है बात, और ये पूरा डिवाइडेड बाई टू ऐसा, इसका अंडर रूट ऐसा, बस अगले एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ये लिख लो फटाक से। ये चीज़ क्या लिखी हुई है, हाफ ऑफ 1-cos A, और कौन से ऐसे लिखते हैं ये अपने को पता है, बाय कोसाइन लॉ, ठीक है क्या। इसके बाद देखो क्या लिख लोगे, ये चीज़ कैसी हो जाएगी, अंडर रूट के अंदर ही चल रहा है सब कुछ, हाफ तो पूरा बाहर ही है, 2bc - b² - c² + a² / 2bc, ये ऐसा, ठीक है क्या, ऐसा क्लियर है बातें, ये समझ में आया कैसे किया गया करके, सादा एडिशन सब्ट्रैक्शन किया है मैंने और कुछ भी नहीं। तो यहाँ देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ अंडर रूट हाफ ऑफ, ये चीज़ हो जाएगी a² - b² + c² - 2bc, ऐसा देखो कैसे ब्रैकेट्स बनाए, ये चीज़ समझ में आ रही है, कैसे ब्रैकेट्स बनाए देखो ज़रा, 2bc, ये ऐसा 2bc और साथ में हाफ भी है, ठीक है ऐसा, ये दिख रहा है ब्रैकेट्स कैसे बनाए। इस चीज़ को देखो तुम कैसे लिख सकते हो क्विकली, हाफ ऑफ, ठीक है हाफ ऑफ, ऊपर देखो a माइनस, फिर ये कितना हो जाएगा b + c, b माइनस सी, यहाँ देखो ये चीज़ क्या लिखी हुई है, b² + c² - 2bc इज नथिंग बट b - c² होल स्क्वायर, समझ गए। तो एक बार क्या लिखोगे तुम, a² - ये चीज़ क्या है, b - c² होल स्क्वायर, तो ये चीज़ a + b, a - b का अगर तुम फॉर्मूला अगर लगाओ तो वो चीज़ कितनी बनेगी देखो, a + b - c, ऐसा समझ गए, ठीक है बात, क्लियर है सारी चीज़ें, ये समझ में आया कैसे किया गया करके, ठीक है। और नीचे जैसा 2bc चल रहा है सो वैसी का वैसी उसको चलने देते हैं, समझ गए। यहाँ तक ही क्लियर है मामला। अभी देखो जब तुम ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो वो कितना बैठेगा, हाफ ऑफ a - b + c और अंदर क्या आएगा, a + b - c / 2bc। ठीक है चीज़, ये समझ पा रहे हो, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा इस चीज़ को देखो तुम क्या लिख सकते हो, a + c को क्या लिखा जा सकता है देखो, 2s - b, ये दिखता है क्या, a + b + c कितना है तुम्हारे पास, 2s है, तो a + c को मैं कितना लिख सकता हूँ, 2s में से उधर b में सरका दूंगा, और a + b को मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो, 2s - c, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखो इसी चीज़ को अंडर रूट ऑफ कितना चला लोगे बोलो, ये चीज़ सेपरेट लिखो, इसको अलग से लिखो, चीज़ सेपरेट अलग से लिख लेना, समझ आएगा। यहाँ देखो हाफ ऑफ a + c को मैं क्या लिख लूँगा, 2s - b, और एक माइनस बी ऑलरेडी है मेरे पास, तो कितना हो जाएगा, 2s - 2b, और यहाँ देखो a + b को मैं क्या लिख लूँगा, 2s - c, और c मेरे पास माइनस सी ऑलरेडी है, तो 2s - 2c हो जाएगा वो, 2s - 2c हो जाएगा वो, ठीक है बा, डिवाइडेड बाई 2bc, ऐसा आ जाता है। अब देखो ये जो दुक्की है ये पूरे में से कॉमन निकालो, तो वो इसके साथ कट गई, ध्यान दो पहले, ये जो एक दुक्की थी ये जो कॉमन निकली इसके साथ कट गई, ये जो दुक्की थी ये पूरी कॉमन निकली और वो इसके साथ कट गई, ये समझ में आया कैसे हुआ है। तो ये चीज़ किसके बराबर आ जाएगी बोलो, s - b - s - c, ठीक है / bc, ऐसा ये चीज़ इसके बराबर आएगी, ठीक है बातें, क्लियर है चीज़ें, ठीक है। ये सब आता है एक्चुअल में निकालने को, डिराइव करने को, एक एक नंबर के लिए आ सकता है, बता दे रहा हूँ,
लेकिन शुरुआत अगर तुम्हें नहीं बता रहेगी कि कैसे क्या करना है करके, मैं एक्चुअली शुरुआत में हिरॉन्स को सही मानकर फिर इसको करने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारी बुक वालों ने कैसा किया है, वो पहले इसको किया है उसके बाद फिर वो हिरॉन्स वगैरह निकाला है। अपन भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। जैसे तुमने देखो सवाल बनाने के दौरान एक सवाल इनकाउंटर किया होगा ना, पहले साइन लॉ निकाला उसके बाद फिर कोसाइन लॉ उसी से डिराइव किया है करके, ठीक है क्या? खैर वो वाला सवाल किया कि नहीं किया? किया है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन ए बाई टू अपने पास आ जाता है, ठीक है क्या? साइन ए बाई टू अपने पास आ जाता है एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी का अंडर रूट। कहीं भी टू का कोई फैक्टर नहीं है, ध्यान रखना। अब इसमें साइन कैसा है तुम्हारे पास, पूरा छोड़ के है। देखो ए को छोड़ के है बाकी सारी चीज़ें, समझिए क्या? ए को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें वहाँ पर साइड्स के टर्म्स में, ठीक है बातें। अच्छा अभी कॉस ए बाई टू कैसे निकालोगे, कॉस ए बाई टू कैसे करोगे? देखो सबसे पहले तो एक चीज़ ये देखो, अब तुम्हारा डेल्टा कितना आ गया, हिरॉन्स फॉर्मूला इसी से एक लाइन में डिराइव हो जाएगा। अपन यहाँ पर कहीं भी हिरॉन्स का इस्तेमाल किया गया इस चीज़ को डिराइव करने के लिए? कहीं कुछ नहीं किया। तो हिरॉन्स वाली चीज़ कैसे आ जाएगी, देखो हाफ बी सी साइन ए, ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ही। यहाँ देखो इसके बाजू में एक डायग्राम बना लेना, अपन ने मान लेते हैं बेस ए ले लिया, बी ले लिया और लेट से हाइट सी ले ली, ऐसा हाइट सी ले ली। तो ये वाला एंगल कितना है तुम्हारे पास, ये ए है ना, ये एंगल ए है। तो ये वाली चीज़ हाइट कितनी आ जाएगी बोलो, सी साइन ए आएगी नहीं आएगी? हाइट कितनी आ जाएगी बोलो, सी साइन ए, क्या बोलो, समझ पा रहे हो? तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी बोलो, हाफ बी सी साइन, ये ऐसे ही लिख लो ना, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? लिखो पहले इतना, यहाँ तक लिख चुके हो, यहाँ तक हो गया। उसके बाद लिखो ऐसा हिरॉन्स फॉर्मूला, हाँ लेकिन साइन तेरे को कहाँ पता है कितना होता है, साइन ए बाई टू तो निकाला लेकिन ए को एग्जैक्ट तू एंगल में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा ना, टू आर वाला फैक्टर भी तो है, आर कहाँ पता है अपने, आर नहीं पता ना। तो मैं हिरॉन से कर रहा हूँ उसके बाद एंगल से भी कर दूंगा, हिरॉन्स बीच में निकाल ले रहा हूँ उसके बाद एंगल से भी कर लूँगा, समझ गए? तो यहाँ देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल अब तुम कैसे लिख लोगे देखो। अच्छा इसमें अपने को फिर ज़रूरत पड़ जाएगी साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू की ज़रूरत पड़ जाएगी, कॉस ए बाई टू की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है, ठीक है। इसके नीचे एक लाइन की स्पेस छोड़कर रखना अभी, समझे गए? अगर अपने पास साइन ए बाई टू है तो कॉस ए बाई टू कैसे निकाल लेंगे, साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू कितना बैठता है, समझे गए? तो पहले वहाँ से निकाल कर आते हैं, ठीक है क्या? फिर ये हिरॉन्स भी बन जाएगा, समझे गए? तो ये इसमें अगेन तुम्हारे पास ज़रूरत इसकी पड़ी जाएगी। यहाँ देखो इसके लिए बस एक लाइन छोड़कर रखो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखो कॉस ए बाई टू तुम कैसे कर सकते हो, ये चीज़ अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू, ऐसा ये लिखते चलो फटाफट, ठीक है ये लिखते चलो स्पीड में। एक लाइन छोड़ देना यहाँ पर, एक लाइन छोड़ देना हिरॉन्स वाली चीज़ में, एक लाइन छोड़ देना, ठीक है क्या? ये लिख लिया, यहाँ तक लिख लिया पूरा, ये कॉस ए बाई टू ये चीज़ लिख लिया, हाँ। उसके बाद देखो अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू कितना बनेगा तुम्हारे पास, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, ठीक है बा, ये बन रहा है ना। अब ऊपर वाली चीज़ कितनी आ जाएगी देखो तुम्हारे पास, बी सी माइनस ये वाला ब्रैकेट अगर तुम ओपन करो तो कितना आएगा, एस स्क्वायर माइनस बी प्लस सी टाइम्स एस प्लस बी सी। ये समझ में आ रहा है ये चीज़ कैसे ब्रैकेट ओपन हुई है, ये ब्रैकेट ओपन करना आता है ना, दोनों रूट्स वाला, समझिए, अपॉन पूरा बी सी है ये। तो ये चीज़ कितनी बन जाएगी देखो ज़रा, पूरा अंडर रूट पूरा उसके अंदर है। तो ये चीज़ कितनी बन रही है देखो, बी सी और बी सी तो कट ऑफ हो जाएंगे, ये दिख रहा है, अंदर क्या बचेगा, एस बी प्लस सी, ठीक है, माइनस एस स्क्वायर अपॉन बी सी, ठीक है। अब ये चीज़ कितनी बच जाएगी बोलो, एस तो बाहर रखो, अंदर क्या बचेगा, बी प्लस सी माइनस एस, बी प्लस सी माइनस एस, ठीक है, अंदर ये बच रहा ना, बी प्लस सी माइनस एस, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, बी सी, ऐसा। अब देखो बी प्लस सी को तुम क्या लिख सकते हो टू एस के टर्म्स में, कितना लिखोगे मोहित बता, बी प्लस सी को तुम क्या लिख सकते हो एस के टर्म्स में, टू एस माइनस सी, ठीक है क्या, ऐसा। इसको साइड में लिख कर रखो, और इधर ये वाली चीज़ अगर तुम पुट अप करोगे तो क्या आएगा देखो ज़रा, एस टू एस माइनस ए माइनस एस। तो ये चीज़ कितनी आ गई बोलो, बी सी, और ये चीज़ आ जाती है तुम्हारे पास अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस ए अपॉन बी सी, ठीक है। ये वाली वैल्यू याद रखना, ये वाली चीज़ें याद रखना, ये एक इंसान भूलता ही भूलता है एकदम तय है, समझे, भूलता ही भूलता है, ध्यान रखना इन चीज़ों का, ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है। तो इससे एक चीज़ तो और आ गई अपने पास, टेन ए बाई टू भी कितना आ जाएगा, साइन ए बाई टू बाय कॉस ए बाई टू। अब साइन ए बाई टू में कैसे लिखते हैं अपन, इसको छोड़ के लिखते हैं ना सब कुछ, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन, और कॉस ए बाई टू में कैसे लिखते हैं, एस एस माइनस ए, ऐसा उसको लेकर लिखते हैं,
समझ आएंगे, ध्यान रखना, और दोनों का डिनोमिनेटर कितना रहता है, अंडर रूट बी सी, अंडर रूट बी सी, तो वो चीज़ कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, समझ रहे हो। इसको भी लिखो फटाफट, क्विकली लिखो तेजी से। अब आ जाओ हीरोन्स पे, और वो हीरोन्स वाली लाइन खुद से कंप्लीट करो तेजी से, हीरोन्स वाली लाइन खुद से कंप्लीट करो स्पीड में। लिख लिया इतना यहाँ तक, लिख लिया, लिख लिया पूरा। अभी ध्यान दो, एक बार मेरे साथ रट्टा मार लो अच्छे से। साइन ए बाई टू कैसे लर्न करते हैं, ए को छोड़कर बाकी सब कुछ क्या लिखेंगे बोलो, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी सी, ऐसा समझ गए, रट्टा मार लो अच्छे से। कॉस ए बाई टू कैसे लिखेंगे बोलो, ए को लेकर लिखना है, एस एस माइनस ए, ए को लेकर लिखना है, ऐसा समझ गए बातें। और tan a by 2 तो अपने आप मेंटली कर ही लेना, समझ गए। अब ये दोनों वैल्यूज अगर तुम हीरोन्स वाली चीज़ में डालो कितने आ जाएगी बोलो, हाफ, ये हाफ इसके साथ कट जाएगा, कुछ बचा नहीं यहाँ पर। bc टाइम्स ये कितना आएगा बोलो, sin a by 2 कितना आएगा, s माइनस बी, एस माइनस सी, दिख गया क्या। और ये चीज़ कितनी आ जाएगी, s s माइनस ए अपॉन अंडर रूट bc, अंडर रूट bc, वो चीज़ मिलकर इसके साथ कैंसिल ऑफ हो जाएंगे bc के साथ, समझ पा रहे हो। तो हीरोन्स आ जाता है आपके पास, हीरोन्स वाला फॉर्मूला एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये चीज़ आ जाएगी, समझेंगे। इस चीज़ को नोट डाउन कर लो फटाफट क्विकली, फिर आगे बढ़ते हैं। ये कर चुके हो गए, हीरोन्स वाली चीज़ हो गई, नर्सी कर लिए, सब कुछ कर लिया है, ठीक है, बढ़िया। ये हीरोन्स है तुम्हारा, इसको हीरोन्स बोलते हैं, समझेगा। तो ये थे तुम्हारे हाफ एंगल, ठीक है क्या। ये ऐसी चीज़ है कि तुम ऐसा समझ लो कि इसको तुम एग्ज़ाम में ना लगाओ ऐसा नहीं होगा, या तो एक नंबर का ऑब्जेक्टिव, या तो फिर एक आधी दो नंबर के सवाल तुम्हें बनाने ही बनाने, ठीक है क्या। खैर इसमें हीरोन्स और एरिया ऑफ ट्रायंगल करने के बाद, नेपियर अपन ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, अभी तक के जो हम लोगों ने पढ़ा उसको यहाँ देखो समरी में क्या क्या तुम देख सकते हो। ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ए, ये चीज़ देखी हम लोगों ने। दूसरा क्या देखा, कॉस ए कितना रहता है तुम्हारे पास, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, ये चीज़ देखी। टैन ऑफ a माइनस बी बाई टू इक्वल्स ए माइनस बी बाई ए प्लस बी कॉट सी बाई टू, ये चीज़ देखी हम लोगों ने, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और क्या क्या देखा हम लोगों ने हाफ एंगल में, क्या क्या देखे, साइन ए बाई टू देखा, कॉस ए बाई टू देखा, ठीक है, और टेन ए बाई टू देखा। वो दोनों को डिराइव, जैसे टेन ए बाई टू नहीं लिख रहा मैं, वो तो साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू जिसको पता है उसको टेन ए बाई टू ना पता हो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारे पास s माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी सी, और ये चीज़ हो जाएगी तुम्हारे पास s s माइनस ए अपॉन बी सी, ऐसा समझ गए। अब हीरोन्स और एरिया ऑफ ट्रायंगल तो अपने को पता ही है, समझ गए क्या, हीरोन्स और एरिया ऑफ ट्रायंगल तो अपने को पता ही है, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ ये चीज़ें। लेकिन अगर किसी को अगर आइडिया है कैसे और क्या करना है, ये चीज़ कैसे करनी है, वो सर्कम रेडियस बनाकर ड्रॉ सर्कम रेडियस, और ये चीज़ कैसे करनी है, क्रिएट अ ट्रायंगल, ठीक है, ये कैसा कर लोगे तुम्हारे पास, ड्रॉ सर्कम रेडियस, ठीक है, डिराइव अगर करना हुआ तो ड्रॉ सर्कम रेडियस, और इसमें क्रिएट अ ट्रायंगल इन विच ऑल सेम एंगल्स आर यूज्ड, सेम एंगल्स आर यूज्ड फॉर फाइंडिंग साइड्स। ये याद आ रहा है क्या क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्लियर है बात। जैसे अगर तुम कभी अगर मान लेते हैं ऐसा अगर ट्रायंगल अगर बनाओ, ये अगर कर रहे हो ऐसा, ये मानते हैं ए है, बी है, सी है, ऐसा, तो कितना कर लोगे बोलो, बी कॉस ए, और ये हो जाएगा बी साइन ए, ये हो गया बी साइन ए हो गया, और इसको कैसे कर लो, सी माइनस बी कॉस ए कर लो, ऐसा बस बात ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी। जैसे इधर ये देखो, इधर ए, इधर साइन स्क्वायर ए, और इधर कॉस स्क्वायर ए बनेगा, अपने आप निपट जाओगे इस ट्रायंगल में, जैसे ही करोगे सब कुछ अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी चीज़ें, समझ रहे हो, ठीक है बातें सारी, क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है, ठीक है। खैर तो ये फॉर्मूला डेरिवेशन की समरी थी, समझ गए क्या। अच्छा इसकी शुरुआत कैसे करना, इसकी शुरुआत कैसे करोगे, साइन ए बाई टू इज वन माइनस कॉस ए बाई टू का अंडर रूट, बस ऐसे शुरू कर देना, समझ गए।
ये चीज़ जैसे मैं होता तो इसको लिख कर रखता अपने पास, तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं, तुम अपना खुद बनाना, समझिए। जब मैं अगर रिवीजन करता कि मेरे को अगर पूरा चैप्टर फिर से वापस से अगर प्रोड्यूस करना है, तो मैं अगर उसमें कोशिश करता तो कैसे करता कि भाई ये वाली चीज़ लिख लेता, उसके बाद फिर पूरा पूरा चैप्टर मारता, समझ गए, ठीक है बातें। तो इसके बाद कुछ सवाल हैं, वो मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ क्लास वर्क में करने के लिए, दो सवाल, ठीक है, पाँच मिनट में फटाफट उसको करके दिखाओ स्पीड में। यहाँ देखो, पहले ये वाला एक करके रखो, बस सवाल लिखो, ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी ए अगर तुमको दिया है 18, बी अगर दिया है 24, सी अगर दिया है 30। यहाँ देखो, तुम्हारे ध्यान रखना ये वाली चीज़ में दो नंबर हैं तुम्हारे, ध्यान रखो दो नंबर मायने रखेंगे। तीन घंटे में इसको परफेक्ट करना, पक्का से दो नंबर तुम्हारी झोली में, ऐसा हर दिन अब तुम्हें कम से कम चार चार पाँच पाँच नंबर का शिकार करना है, ध्यान रखो, समझिएगा। यहाँ देखो ए बी सी की वैल्यूज दी हुई है, फाइंड, ये निकाल कर रखो, तीन पार्ट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, साइन ए, साइन ए बाई टू, सॉरी कॉस ए बाई टू, ठीक है क्या? ये पहला सवाल, सादा वैल्यूज निकालनी, कर लोगे, एस निकालो, एस माइनस ए करो, कर लोगे बढ़िया से बराबर, इसका बस आंसर सही आना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, ध्यान रखना। ये वाला एक क्लास वर्क हो गया तुम्हारा, ठीक है, इसके आंसर्स लिख कर रखो, आंसर्स इसके लिख कर रखो, ठीक है। एरिया आ जाएगा तुम्हारे पास 3/5, ठीक है, 216, इसके आंसर्स लिख कर रखो ताकि तुम्हें बुक खोलने की ज़रूरत ना पड़े, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, बिना सॉल्यूशन देखे तुम काम कर सको, ठीक है। और साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू, ये चीज़ आएगी तुम्हारे पास 1/√10, 3/√10, 1/√10, 3/√10, समझ गए, ये इसके आंसर नोट डाउन करो। एक सवाल और दे रहा हूँ क्लास वर्क के लिए, एक सवाल डाउन कर लिए, आंसर नोट डाउन कर लिए, इसको अभी करके बताओगे दो मिनट के अंदर, उसके बाद एक बार सवाल होगा, हाँ 1/√10 है, 3/√10, ये कितना है 216। सॉल्यूशन बिना देखे काम करने जा रहे हैं, आखिरी तुम्हारा रिजॉर्ट होना चाहिए, मतलब कोई सवाल बिल्कुल ही समझ से परे। इसके बाद एक और सवाल, शो दैट इन ट्रायंगल ए बी सी बनना चाहिए ये बेस्ड ऑन हाफ एंगल फॉर्मूले, बी प्लस सी माइनस ए टाइम्स ए बाई टू प्लस, सॉरी बराबर, ये चीज़ शो कर रही है बराबर, सी प्लस ए माइनस बी टाइम्स टैन बी बाई टू, लिखते भी चलो बराबर, ए प्लस बी सिमेट्री है तो ए प्लस बी माइनस सी, तो बचा क्या तुम्हारे पास, टैन सी बाई टू, ये भी बचा होगा, सिमेट्रिकल चल रहा पूरा मामला। तो दोनों सवाल है तुम्हें करके रखना है, 10 मिनट है हमारे पास, ठीक है, दोनों लेकिन बनने चाहिए। एक आसान से आसान सवाल भी, अगर जिस इंसान की सोल्यूशन छाप छाप के करने की आदत है, आसान से आसान सवाल भी फाइनल एग्जाम में गलत कर देता है, ध्यान रखना, सोल्यूशन बिना देखे काम करने की आदत डालो, समझे, फटाफट करके रखो इसका, ये तो प्रूफ है, इसमें कोई आंसर वगैरह देने की नीड नहीं है। लिख लिया सबने सवाल, लिख लिया सवाल, लिख लिया सबने, ठीक है, करना शुरू करो।